दर्शकों नमस्कार। विधान भवन के जहां मीडिया के लिए जो व्यवस्था की गई है उसी जगह मेरे साथ अभी मौजूद है वर्धा ज़िले के आरवी विधानसभा क्षेत्र के दादा राव जी केचेकर के जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अभी उन्होंने अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यों में क्या क्या योगदान दिया हुआ है और किन किन विकासात्मक कार्यों को उन्होंने अपने क्षेत्र में जनता के लिए मुहैया कराए हैं, बताइए। 2014 से 2019 तक मैं माजी आमदार था। 2009 से 2014 तक आमदार चुने गए थे। उस वक्त से 500 कोटि के काम सरकार नहीं था लेकिन मैं आमदार था। ये जो आयुध है सभागृह के अंदर में लगाने के काम मैंने किया है, जो लक्ष्य विधि सूचना है, तारांकित क्वेश्चंस है, ये बाकी जो है स्थगन प्रस्ताव है, औचित्य के मुद्दे है, ये इसके कारण बहुत कुछ काम करने को मिले हैं। मतदार संघा में जो कभी काम हुए नहीं 2009 से 14 तक वो भी काम करके बतला है। जहाँ खेती करने वालों को या खेती की बहुत समस्या थी, जो हमारे किसान लोग वो नदी पर से जाना आना करते थे, पुलिया नहीं था, वो धाड़ी का पुलिया है, पुल कम बंधार अपन ने बंधा है, आने जाने का एक अच्छा मौका काश्तकारों को दिया है। वही हिसाब से वैसी बात इधर तरोड़ा खापरी करके है, वहाँ भी वही समस्या थी कि जाने आने के हिसाब से वो नदी पर से लोगों को जाना नहीं होता था। 22 किलोमीटर फेरा लेने के बाद में अपने खेती पर पहुँचते थे, ऐसी हालत में वहाँ भी बंधारा कम पुलिया उस वक्त बांधी है अपन ने। तो अच्छा, अभी वाहन जो है ट्रैक्टर, मिनीडोर, मेटाडोर और बैल जोड़ी, ये सब जाना आना चालू है, अच्छे तरह से अपने खेती किसान करते हैं। वैसी समस्या जो तारा सावंगा पुलिया है, बहुत लोग आज तक बह गए हैं, गुरे ढोरे अपने जो है बैल जोड़ी आज तक इतने बह गए कि वहाँ किसी ने कोई ख्याल दिया नहीं। जब मैं आमदार बना 2009 में, उस वक्त अपन ने वहाँ भी बढ़िया पैमान में 3.5 कोटी का पुलिया बनाया। अभी आज अच्छे अमरावती अपना नागपुर जिला और वर्धा जिला वो पुलिया से जोड़ गया, दोनों भी जिले के आना जाना चालू है, एसटी बसें चालू है। वैसी बात कासनूर करके एक पुलिया था, वहाँ से भी वही समस्या थी, जाने आने की बड़ी दिक्कत आती थी। उस वक्त आने जाने वाले की इतनी दिक्कत की खेती वाले खेती नहीं कर पाते थे, वो भी नदी पर अपन ने पुलिया बांधकर एक काश्तकारों को एक दिलासा दिया है। ये 4-5 काम अपने उस वक्त अपन ने 500 कोटि के काम आमदार नहीं था उस वक्त अपन ने किए। बहुत सारे रास्ते, जो रास्ते की बड़ी समस्या हमारे मतदार संघ में थी 2009 से 2014 तक, साधारणतः यानी 75% वो काम मैंने करवाए, लोगों को दिलासा मिला है। 2014 में थोड़े मतों से 1500 वोट से गिर गया, लेकिन सरकार अपनी थी। देवेंद्र जी फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री बने, उस वक्त से 2014 से 19 तक इतने काम हुए, 1350 कोटि के महीने काम मतदार संघ में लाया, काम हो गए है। 264 कोटि की ये जो लोअर वर्धा प्रकल्प है, वहाँ से सूक्ष्म सिंचन योजना 42 गांव के खेती को पानी मिलेगा, 42 गांव के किसान आज सुजलाम सुकलाम होंगे हर खेती को पानी मिलने के बाद। 264 कोटि की सूक्ष्म सिंचन योजना का काम चालू हो गया है, ऐसे बहुत सारे काम। 31 क वर्ग यात्रा स्थल जो विकसित की है, जहाँ हमारे धार्मिक लोग जाते हैं वहाँ नमस्कार करते हैं, लेकिन अविकसित होने के कारण वहाँ अच्छी भक्ति नहीं होती थी, आज 31 जो अपने क वर्ग यात्रा स्थल है वो अपन ने विकसित किया है, आज किसी का मन भी वहाँ लगता है, अच्छे तरह से वो पूजा पाठ कर सकते हैं। ऐसे सड़कियाँ, एक भी सड़क बची नहीं है, पूरे के पूरे सड़कें का काम अभी चालू है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से तब बहुत इतना पैसा लाया है कि आज अरबी मतदार संघ में एक भी काम बचा नहीं है जो रास्ता हुआ नहीं। वैसे पंतप्रधान ग्राम सड़क योजना से वो भी काम सड़क के माध्यम से अपन ने, यानी आपके मतदार संघ में ब्रिज जो होते हैं वो पुलों के भी निर्माण हो चुके हैं, सड़कें भी बन चुकी है, और जो तीर्थ स्थल बने हुए थे आपके मतदार संघ में क क्षेत्र के, उनको लाकर आपने वहां का विकास किया हुआ है। अच्छा, किसानों को मतदार अभी आरवी नगर पालिका है, वहां का तो काया पलट कर दिया हमने,
अच्छा आरवी की जो महानगर नगर पालिका का उसने ये किया। अभी आज विधान भवन की बिल्डिंग जैसी है वैसी बिल्डिंग हमारे नगर पालिका की है, आरवी नगर पालिका। यानी हर वार्ड में जो जो काम है, नालियाँ है, रास्ते है, एक भी रास्ता बचा नहीं है। अच्छा। और जो जो तीर्थ यानी बड़े बड़े संस्थान है वहाँ का भी विकास हमने कही। मुस्लिम समाज अच्छा, किसानों के लिए आपके विधानसभा मतदार संघ में आपने क्या योजनाएं चलाई? अभी 264 कोटि की है सूक्ष्म सिंचन योजना, जहाँ की 42 गांव के खेती को पानी मिलेंगे। अच्छा, 42 गांव के लोगों को पानी सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा। और ऐसे बहुत सारे पानी पुरवठा का योजना। स्वास्थ्य संबंधित बताएंगे आप आपके विधानसभा क्षेत्र में, जैसे कि स्वास्थ्य के लिए क्या क्या आपने किया हुआ है? हमारे यहाँ जहाँ जिला आरोग्य जिला ऊपर रुग्णालय नहीं था, ग्रामीण रुग्णालय था, उसका हमने जिला ऊपर रुग्णालय किया है। जहाँ आरोग्य केंद्र नहीं थे, जैसा तलेगांव में आरोग्य केंद्र नहीं था, भारसवाड़ा में अंतोरा में आरोग्य केंद्र नहीं था, नारा में आरोग्य केंद्र नहीं था, वहाँ हमने आरोग्य केंद्र बना के वहाँ का विकास किया है। और आष्टी प्रॉपर सामान्य रुग्णालय, वहाँ PHC थी, सामान्य रुग्णालय बनाया, कारंजा में सामान्य रुग्णालय मंजूर किया, ऐसी बिल्डिंग तैयार हुई पंचायत समिति की। आपके मतदार संघ में मैक्सिमम आपने के जो स्वास्थ्य सेवाओं के जो विकास है, जहां पूरी व्यवस्था के छोटे हॉस्पिटल थे आपने वहां बड़े निर्माण किए। शिक्षा संबंधित क्या आपने ये के, क्या क्या शिक्षा जो है अभी प्राइवेट स्कूल बहुत सारे है। अच्छा, अभी वो तो गवर्नमेंट के जो जिला परिषद वगैरह के कुछ स्कूल, जिला परिषद के जो स्कूल है अभी अभी जहाँ हमारी सत्ता है जिला परिषद में 10 साल से सत्ता है, अच्छे स्कूल बनाई है, डिजिटल स्कूल बने हैं, डिजिटल स्कूल। अभी लोगों को ऐसा लगता है कि प्राइवेट स्कूल से अच्छी। अच्छा, अब आपके जो मतदार संघ है इसमें रोजगार के क्या साधन मुहैया, यानी इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ आपने अभी आपका प्लान वगैरह है? अभी हमारा MIDC बनने का ट्राई चालू है, आरबी को बहुत सारे प्रस्ताव डाले हैं हमने, आरबी MIDC होना चाहिए, कारंजा तो बन गई है, अभी प्रस्ताव बड़ी पैमाने में होना चाहिए, उस हिसाब से प्रस्ताव तैयार है, वो भी मंजूर हो गई है, वो संपादन का थोड़ा प्रॉब्लम आया है और राष्ट्रीय के भी डिमांड है। लेकिन दो बड़े बड़े इंडस्ट्री हमारे यहाँ है, एक तलेगांव में है, बारूद कंपनी है, बड़े पैमाने 700-800 लोग वहाँ काम करते हैं, रोजगार मिला है। फ्लावर फैक्ट्री आरवी के अंदर में 1000 लोग वहाँ काम करते हैं, ऐसी दो ही फैक्ट्री है। छोटे मोटे जो जिन्हें बहुत सारे ये है बहुत बहुत। तो जैसा कि दर्शकों आपने अभी देखा कि आरवी मतदार संघ जो है यह रस्तों से पुलों के निर्माण से शिक्षा हेल्थ और सारे विकास के कामों में हमारे साथ जो जुड़े विधायक हैं इन्होंने उसे अपने एक गतिशील दौर में लेके आ चुके हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलो नमस्कार।